मॉनसून सीजन, समोसे और चाय, ये तो लगता है जैसे मेड इन हेवन कॉम्बिनेशन है। और खास तौर से ये मिनी समोसे मेरे तो बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, और वो भी आटे के बने हुए हैं। ये हमने गेहूं के आटे के बनाए हुए हैं, देख रहे हैं आप कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। हेलो फूडीज, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे गेहूं का आटा। तो 2 कप गेहूं का आटा लिया है, बीच में हल्का सा गड्ढा सा बना लीजिए। इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप देशी घी। मोयन देशी घी का डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन ले लेंगे, हाथ से घिस के डालेंगे तो फ्लेवर्स इन्हांस हो जाएंगे। और इसके बाद आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे। सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको आटे में अच्छी तरीके से हाथ से रब करते हुए क्रम्बलिंग टेक्सचर तक हमको इसको लाना है, जब तक कि पूरे आटे में अच्छी तरीके से ये ना मिल जाए। और जब हम इसका लड्डू बनाएं तो ये लड्डू आप देखिएगा कि हम ऊपर से पूरा नीचे की तरफ इसका लड्डू बांध करके गिराएंगे तो ये पूरा गिरने पे भी नहीं टूटेगा। ये देखिए मैं आपको गिरा के दिखाती हूँ, तो इतना अच्छा मोयन इसमें होना चाहिए, क्योंकि ये गेहूं के आटे का है। अगर इसमें आपने मोयन कम लगाया तो ये बहुत ही ज़्यादा कड़क सा बन जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा इतना अच्छा। अब इसमें हम बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बिल्कुल सख्त वाला जो आटा होता है ना, एकदम टाइट अच्छा आटा सानना है। पूड़ी से भी थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड आटा हमको इसका गूंदना है, क्योंकि आपको बता दें कि ये गेहूं के आटे का हम बना रहे हैं। अभी हम जब इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो ये थोड़ा रिलीज होगा, थोड़ा रिलैक्स होगा, तो थोड़ा सा ये लूज हो जाएगा। तो इसीलिए आप मेरा देख सकते हैं जितना प्रेशर हम लगा करके इस आटे को गूंद रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आटा कितना टाइट है। बस आपको हाथ भी लगा करके दिखाती हूँ कि कितना टाइट है। बिल्कुल इसी तरीके का आटा आपका होना चाहिए। इसको हम ढक करके रख देंगे। आप चाहें तो हल्के से गीले कपड़े से कर सकते हैं, और नहीं तो मेरी तरीके से किसी ऐसे चीज़ से रखिएगा जैसे कि बाहर की एयर अंदर ना जाए। स्टफिंग के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो पैन में डाल देंगे 1 चम्मच यानी 1 टेबल स्पून धनिया, साबुत धनिया डाल देंगे। 1 चम्मच छोटा चम्मच डाल देंगे जीरा, और जितना हमने धनिया लिया है उतना ही सौंफ, 1 बड़ा चम्मच सौंफ का डाल देंगे। धीमी आंच पे इसको हल्का सा, जब तक ये थोड़ा अच्छा सा ब्राउन कलर का ना हो जाए और बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए, तब तक हमको इसको भून लेना है। और क्योंकि हम इसको इमामदस्ते में कूटने जा रहे हैं तो हमने इसको गर्म ही गर्म कूट लिया है, जिससे कि इमामदस्ते में आसानी से कूट जाएगा। अगर आपके पास इमामदस्ता नहीं हो, मतलब कि आप इसमें अगर नहीं कूटना चाह रहे हैं, तो आप मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा मसाले को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कर दीजिएगा, हल्का सा उसमें दरदरापन होना चाहिए, जो कि हमारा जब मसाला जो हम तैयार करेंगे, जो स्टफिंग तैयार करेंगे ना, उसको एक बहुत अच्छा सा टेक्स्चर देगा। मसाला को हम चम्मच से उठा करके आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरीके का हल्का दरदरापन होना चाहिए। उबले हुए आलू ले लेंगे। तो आलूओं को काफी देर पहले हमने उबाल करके रख लिया था, जिस और पानी से निकाल के जाली में रख लिया था, जिससे कि अच्छी तरीके से हवा लग जाए और ये सूख जाए। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, इससे आपकी स्टफिंग आपको बनाने में और भरने दोनों में आराम रहेगा। इसको हाथ से ही हम मैश कर देंगे, किसी कद्दूकस वगैरह करें करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा अगर इसमें 1-2 गुठलियाँ रह भी जाएंगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम ये स्टफिंग भी देशी घी में ही बना रहे हैं, तो 1 बड़ा चम्मच घी का डाल दिया है। आप यहाँ पे भी चाहें तो ऑयल डाल सकते हैं। इसमें हमने पहले हींग डाली है, इसके बाद मटर डाल दी है, साथ ही हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सौंठ यानी ड्राई जिंजर पाउडर, और 1 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया है। स्वाद के हिसाब से नमक डाल दीजिए। अगर यहाँ पे आपको नमक समझ में नहीं आ रहा है कि कितना डालें, तो जब आप आलू डाल दीजिएगा ना तब आप डालिएगा। और अगर आपके अंदाज अच्छा है, स्वाद आपको पता है कि आपको कितना नमक डालना है, तो आप इसी टाइम डाल सकते हैं। थोड़ी सी मटर को भूनेंगे, क्योंकि ये फ्रोजन मटर है तो इसलिए ये ऑलरेडी ये पारबॉइल्ड होती है, बहुत देर तक पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें जो हमने अभी मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे, उबले हुए आलू डाल देंगे, और अब इसको 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के लिए हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भुनने में, बहुत बस थोड़ी देर में भुन जाएगा। थोड़ा सा अच्छा कलर लाने के लिए हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अगर हो तो डाल दीजिए, ना हो तो कोई बात नहीं है, इससे स्वाद में
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस मसाले को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। तो हमने मसाला ठंडा करने के लिए रख दिया है। इसके साथ ही हमने एक चटनी बनाई थी जिसकी रेसिपी इस टाइम नहीं शेयर की है, आम और पुदीना वगैरह की चटनी बनाई थी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो जब तक ये सब हो रहा था तब तक हमने अपनी चटनी बना ली। जब आलू एकदम ठंडा हो गया है, आटे को हमने एक बार और अच्छे से मला है, उसके बाद इसकी हम इस तरीके से पतली पतली हम रोटियां मतलब पूड़ियां टाइप की बना लेंगे, लेकिन ये पूड़ी ओवल शेप में होनी चाहिए और हम बिल्कुल मिनी वाले समोसे बना रहे हैं, तो छोटी छोटी होनी चाहिए और साथ ही पतला होना चाहिए। जो इसका ऊपर का कवर हम ये बेल रहे हैं ना, ये बिल्कुल पतला पतला बेलेंगे, जैसे हम पूड़ियां बेलते हैं पतली पतली वैसे बेलेंगे। नॉर्मली जो हम बड़े वाले समोसे बनाते हैं तो उसकी आउटर लेयर जो होती है वो हम हल्की सी मोटी रखते हैं, लेकिन ये हम बिल्कुल पतली रखेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। अब हम इसको सील करने के लिए सिंपल पानी लगा लेंगे तो भी सील हो जाएगा, किसी स्लरी की जरूरत नहीं है। इस तरीके से इसका एक तिकोना कोन टाइप का बनाएंगे, थोड़ी सी इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे क्योंकि ये बहुत मिनी समोसे बना रहे हैं ना, इसीलिए हमने स्टफिंग इतनी, आपको देख रहा होगा कि काफी मसालेदार हमने बनाई है, तो इसीलिए बनाई है क्योंकि इसमें बहुत थोड़ी थोड़ी सी स्टफिंग जाएगी, और अगर हम हल्का मसाला रखते तो बहुत प्लेन सा समोसा रखता। अब देखिए किस तरीके से हमने फोल्ड किया, एक प्लीट पीछे हम डालेंगे और उसके बाद इसको सील कर देंगे। ऐसा करने से ना बिल्कुल जैसे बाजार में वो बैठे बैठे से समोसे बनते हैं ना, प्रॉपर जो समोसे का शेप होता है वो आता है। एक और आपको करके दिखा दे रही हूँ, कौन बनाएंगे, अंदर स्टफिंग डालेंगे, पीछे एक प्लीट डालेंगे और उसके बाद इसको सील कर देंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपके समोसे सील होने चाहिए। ऑयल हमने ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो मीडियम हॉट ऑयल में मीडियम फ्लेम पे ही, मीडियम से लो फ्लेम रखेंगे, बिल्कुल लो पे भी आप नहीं तलिएगा और बहुत हाई पे भी नहीं तलिएगा। थोड़ा सा मैदे वाले से ज्यादा टाइम टेकिंग होगा ये, क्योंकि गेहूं का आटा है, तो अलट पलट करते हुए अच्छी तरीके से हम इसको सेक लेंगे जब तक खूब अच्छा सा सुनहरा कलर ना आ जाए। एक बैच बनाने में मुझे 10 से 12 मिनट के बीच में लग गया था। तो ये देखिए देखिए हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं और सारे के सारे कितने अच्छे शेप के बने हैं। तो जिस तरीके से हमने दिखाया ना, बिल्कुल वैसे ही आप शेप बनाइएगा। जब तक हम इसको तलते हैं तब तक आप एक काम कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। आपने ये आटे वाले समोसे कभी बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं हमें जरूर बताइएगा, और अगर नहीं बनाए हैं तो कब ट्राई करने जा रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। ये लीजिए हमारे समोसे तो बन करके तैयार हो गए हैं, चटनी के साथ गरम गरम सबको सर्व करने के लिए जा रही हूँ। बस बच्चे बेचैन हो जाते हैं कि कब हम जल्दी से फोटो फिनिश करें, फोटो खींचें और इसके बाद बच्चे इसको खाना शुरू करें। बहुत ही फैंटास्टिक बने थे, एक बार जरूर मेरे कहने पे ट्राई करिएगा और जब भी बनाइए इसकी फोटो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। होप करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।